देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज, मैं हूं नुपुर सिंह और वक्त हो गया है दिन भर की सभी बड़ी खबरों का। चाइनीज फंडिंग मामले में न्यूज क्लिक के संस्थापक ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी को बताया गलत। कर्नाटक में सरकारी ठेकेदारों रियलिटी डेवलपर्स पर आईटी विभाग ने मारा छापा, 94 करोड़ रुपए नगद और आभूषण किए गए जब्त। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू महासभा ने बहुत समय पहले हिंदू राष्ट्र की बात की थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान बना। मौर्य ने जिन्ना की तारीफ भी की। हाजीपुर मुजफ्फरपुर एनएच 22 सराय थान के सूरज चौक के निकट वाहन जांच के दौरान दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक सिपाही को गोली मार दी। सिपाही की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस ने दो बदमाश को खदेड़ कर पकड़ लिया है। इस दौरान आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह, महिला पहलवानों ने लगाया है गंभीर आरोप। भ्रष्टाचार मामले में पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री को मिली अंतरिम जमानत, 7 दिसंबर तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ग्रुप डी अभ्यर्थियों को दिया बड़ा तोहफा, पीपर के दिन फ्री होगी रोडवेज बस सेवा। उत्तराखंड में शिकारी हो जाए सावधान, सीएम ने दिया अल्टीमेटम, अब रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। विमेंस एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी की आज झारखंड के जामताड़ा में लगेगी प्रदर्शनी, खिलाड़ी इसे साथ लेकर करेंगे नगर भ्रमण। नामांकन भरने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार पर कसा तंज, कहा लोग पूछ रहे हैं कौन है गिरीश देवांगन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने कहा कि लगभग 4000 लोगों ने चुनाव टिकटों के लिए आवेदन किया है, लेकिन उन सभी को टिकट नहीं मिल सके हैं। कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने उम्मीद जताई कि निराश नेता पार्टी के पक्ष में काम करेंगे। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पर खुशी ला देता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि दक्षिणी गाजा में युद्ध विराम नहीं लगने वाला है। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि हमास और अन्य फलिस्तीनी आतंकवादियों ने गाजा में इजराइल के 199 लोगों को बंधक बना रखा है। सेना कमांडरों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। यह शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम वैचारिक आधार पर विचार विमर्श के लिए भारतीय सेना को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की सुविधा प्रदान करने का एक संस्थागत मंच है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान को 21 अक्टूबर 2023 को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच लॉन्च करेगा। इसरो की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि गगनयान मिशन के टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फाइल को 21 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री थॉमस पेस्केट की भारत यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि थॉमस पेस्केट, खुशी है कि आप भारत आए और हमारे युवाओं की विशेष रूप से विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार के क्षेत्र में जीवंतता और गतिशीलता का अनुभव किया। इसराइल से और 471 भारतीय स्वदेश लौट आए हैं, जहां 2 विमानों से 197 और 274 लोगों का तीसरा व चौथा जत्था नई दिल्ली पहुंचा। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और कौशल किशोर ने हवाई अड्डे पर भारतीयों का स्वागत किया। भारतीय नागरिकों ने दिल्ली में उतरते ही भारत माता की जय के नारे लगाए। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा कि ये दिमाग और प्रतिभा का खेल है, ये योजना और रणनीति का खेल है और इसलिए ही भारत इसमें आगे है। उन्होंने आगे कहा कि हमें गर्व है कि चंद्रमा के साथ जमीन पर भी प्रज्ञान है। गुजरात दौरे के दौरान शाह ने कहा कि गुजरात और देश का भविष्य पुस्तकालयों से ही निकलेगा। उन्होंने कहा कि लेकिन साथ ही बच्चों को पोथी पंडित भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर बनी तो पार्टी 2024 में केंद्र में भी सत्ता में आ जाएगी। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग में लेवल 3 के पदों के अंतर्गत पंचायत सचिव के 3532 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। उम्मीदवार 9 नवंबर तक आधिकारिक वेबसाइट
ऑनलाइन ebssc.com पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। अग्निवीर अमृतपाल सिंह का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ ना होने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच भारतीय सेना ने कहा है कि वह अग्निवीरों और अन्य जवानों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करती। हालांकि सेना का कहना है कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह की मौत उनकी ही गोली से हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष एक दिवसीय सत्र राज्य के मंत्रियों और विधायकों के वेतन में वृद्धि से संबंधित दो विधेयकों पर बिना किसी चर्चा के शुरू होने के 15 मिनट के भीतर ही स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष विमान बंदोपाध्याय ने दावा किया कि एक पूर्व विधायक के निधन के कारण सत्र स्थगित किया गया है। महाराष्ट्र में हुई राजनीतिक हलचल, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। हालांकि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमारी टीम का हौसला बुलंद करता है और हम रोजाना ऐसी दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।